नगरपालिका सीएमओ की अनुपस्थिति के चलते दीपावली पर्व फीका पड़ गया है। नगर की समस्याओं को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी से मिलने पहुंचे। टीकमगढ़ शहर की नगरपालिका सीएमओ श्रीमती रीता केलाशिया की अनुपस्थिति के चलते स्थिति खराब नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि जब से नगरपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं तब से नगरपालिका सीएमओ श्रीमती रीता केलाशिया लंबी छुट्टी पर हैं, जिसके चलते नगरपालिका की स्थिति बेहद खराब है। शहर के साफ सफाई और दीपावली पर्व के चलते कर्मचारियों की वेतन अधर में लटक गई है, जिससे दीपावली पर कर्मचारियों के लिए त्योहार फीका पड़ गया है। इन सभी समस्याओं को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक और पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और समस्या के बारे में अवगत कराया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। के साथ कलेक्टर साहब के पास गई थी, क्या है मामला? जी, मामला ये है कि हम लोग बहुमत से चुन के आई हुई सरकार है, कांग्रेस से हम लोग ने यहाँ नगर पालिका में अपनी जीत हासिल की है। पिछले 3 महीने से सीएमओ मैडम द्वारा बेवजह चीज़ों को और मुद्दों को टाला जा रहा है। वो सुनती नहीं है, बैठती नहीं है, कभी कोई हालचाल उनको पता नहीं क्या एक तकलीफ चल रही है हम लोगों के यहाँ आने से। जिस तरह से भ्रष्टाचार की नगरपालिका चल रही थी, शायद वैसे ही वो चलाना चाहती है, और हम सब उनके इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। सीएमओ मैडम द्वारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। कई सारे मुद्दे आज हमने कलेक्टर साहब के सामने रखे, जैसे कि अभी त्यौहार का टाइम है, साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज़, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही। आज सभी कर्मचारियों ने हम लोगों को, अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि उनकी सैलरी नहीं कर रही। वो लोग बहुत परेशान होकर आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर हम लोगों को लिखित में आवेदन दिए। काम नहीं करते हैं उन तक की वेतन, जो लोग यहाँ पे मास्टर कर्मी चढ़े हुए हैं रजिस्टर में और वो लोग कभी कोई काम नहीं करते, उनकी सैलरी पिछले महीने तक दे दी गई है, पर जो यहाँ का स्टाफ है जो काम करता है नगरपालिका में, उन लोगों की सैलरी रोकी हुई है। शहर की अव्यवस्था पूरा शहर देख रहा है और सीएमओ मैडम का ये बहुत ही गलत रवैया हम लोग देख रहे हैं, और कलेक्टर साहब से हमने पहले भी इनको अवगत कराया था और आज फिर हम लोग मिलकर आए हैं, और आज हम लिखित में समस्त पार्षदों के साथ में हम सिग्नेचर करके उनको ये कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर ने कहा है बिल्कुल आप लिखित के दीजिए, और मेरे पास भी कई शिकायतें आ रही है, मैं सीएमओ मैडम से बात करता हूँ, यदि मैडम बिल्कुल नौकरी करने की अपने रूप में मूड। पार्षद के साथ आप कलेक्टर साहब लोग मिलने आए, क्या है मामला? मामला इसलिए कलेक्टर साहब के पास हम लोगों को अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि हमारे जो भी इंजीनियर साहब, जैसे डी के चतुर्वेदी सर हैं, जेबा मैडम हैं, और यादव का क्या नाम, विजय यादव हैं, जिन लोगों को जब मैडम छुट्टी पे गई तो उनको अधीनस्थ करके गई थी कार्यभार संभालने, आज उन्हीं की बदौलत उन्होंने लेटर जारी किए हैं कि आप लोगों ने किन के किस आधार पे ये गाड़ियों में काम कराए, नगर पालिका की गाड़ियाँ क्यों चालू की हमारी बगैर उपस्थिति में। मेरी मजबूरियाँ थी और आपके सभी लोगों के सामने, क्योंकि एक पर्व है दीपावली, इसमें साफ सफाई की व्यवस्था उत्तम बनाने के लिए मैंने सारे वाहनों को जो भी खड़े हुए थे उनको सुचारू रूप से चालू करा के और यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने में पूरा, और हमारे शहरवासियों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे सीएमओ मैडम श्रीमती रीता कैलाशिया जी भोपाल गई, वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के उन्होंने किया, तो वो छुट्टी हो गई है, छुट्टी के बाद वो कब आ गई हैं, ऑफिस में कोई उनकी एंट्री नहीं है, घर बैठ के वो अपना आदेश जारी करने लगी और हमारे कर्मचारियों को विरुद्ध लिखने लगी। उनको 3 दिवस के लिए आर्डर भी बना दिया, अब 3 दिवस, आज तारीख हो गई 21, कल छुट्टी है, कल से 27 तारीख में ऑफिस खुलना है, वो कब देंगे जवाब? नोटिस में क्या बोला? दूसरा, हमारे जो पार्षद आज यहाँ पे सभी पार्षद खड़े हुए हैं, इसमें अजय गाड़े जी हैं, संजू झा जी भी हैं, यहाँ अनीश खान भी हैं, और हबीब रायन जी भी हैं, मोना जैन भी हैं, हरीब जी हैं, गौरव यादव भी हैं, सोनी जी भी हैं, हमारे लाली जी भी हैं, और ए अड्डू भैया हैं, और राम कुमार यादव जी हैं। ये सब लोग, कोई हम लोगों का कोई मकसद नहीं था यहाँ पे कलेक्टर साहब आते नहीं पास आने का, लेकिन जब हमको ये लगा कि हमको
हमारी सारी व्यवस्थाएं मैडम के थ्रू रोकने का प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर्व को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सब लोग हमारे साथ खड़े हो गए और सब लोगों का विचार बना कि क्यों ना अपन अपना न्याय मांगने कलेक्टर साहब के पास क्यों ना चले। इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, बसते हुए। कलेक्टर साहब से क्या बात हुई? कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मेरे संज्ञान में है, लेकिन आप लोग राइटिंग में दीजिए और जितनी भी अनियमितता हैं वो सारी लेटर में ऐड करिए। नगरपालिका सीएमओ ने किस संबंध में नोटिस भेजे आपके अस्पताल में? नगरपालिका सीएमओ का मिजाज आप सभी नगरवासियों को जानकारी में होगा कि वो सारे कामों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सभी वार्षिकों का हमको सहयोग है, उनको सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।